हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के इस अमेजिंग अमेजिंग सेशन के लिए. सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ट्रिपल एस एंड दिस इज आई थिंक दिस इज द 8th लेक्चर ऑफ पॉलिटी. नंबर तो मुझे भी याद नहीं है पर काफ़ी सारे लेक्चर अपने पॉलिटी के हो चुके हैं एंड ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VLW एग्जाम के लिए. तो आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले और उसके बाद हम लोग कल मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो ये दो लेक्चर आपके इसके अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा पूरा का पूरा खत्म. ठीक है, फिर वी विल टेक अप ऑन DPSPs, इसके भी आपके दो लेक्चर लगेंगे और उसके बाद आपका होगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा. इसके बाद आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो ये जो जितना भी सिलेबस आपको मैंने बताया लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट जो पांच लेक्चर्स हैं नेक्स्ट ये आपके ये जो अभी तक हमने जो लेक्चर लगाए फंडामेंटल राइट्स के स्टार्टिंग से अप टू द नेक्स्ट 5 लेक्चर्स ये आपके VLW एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो ये ध्यान से सेशन लगाइएगा. ठीक है, और बाकी सब लोग आप एकदम बढ़िया होने चाहिए बिकॉज अभी JKPSI के रिगार्डिंग जो भी प्रोब के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है या बोला गया है तो अब वो लोग अपना काम करेंगे. आप लोग को अपना काम करना है. बहुत सारे लोग स्टडी से आउट ऑफ टच हो चुके होंगे सो ट्राई टू गेट इन टू द ग्रुप. मतलब ऐसा नहीं करना कि आपको यार मतलब कल से किताबें खोल के बैठ के पढ़ने लग जाना है, वो नहीं हो पाएगा आप लोगों से. आप एकदम छोड़ दोगे बीच में. सो माहौल बनाओ, पहले माहौल बनाने की कोशिश करो. माहौल कैसे बनता है आप सब लोग जानते हो. ठीक है, तो माहौल वगैरह बनाओ और उसके बाद माहौल हल्के करके यू हैव टू गेट बैक इन टू द ग्रुप. देखो किसी को नहीं पता री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता. बट पॉइंट इज अगर री एग्जाम होता है तो आप लोग प्रिपेयर होने चाहिए. और अगर इस बार प्रिपेयर नहीं हुए तो कोई एक्सक्यूज बचेगा नहीं यार, है ना. फिर आप लोग जानते हो कितना बुरा लगा था जब आपका रिजल्ट आया था. बहुत सारे लोग बहुत कम मार्क्स इसके आसपास कहीं ना कहीं रह रहे थे, आंसरेबल नीचे सोसाइटी वगैरह को. तो दैट इज द केम विद इट. ठीक है, चलो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का. शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ. दिस इज अ ब्रीफ इंडक्शन अबाउट माईसेल्फ. सॉरी थोड़ी सी पेस हाई हो गया. दिस इज अ ब्रीफ इंडक्शन अबाउट माईसेल्फ. ये आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्स जो कि मैंने क्रैक किए हैं मल्टीपल टाइम्स एंड ऑल. एंड नाउ कम्स द वेरी वेरी बेस्ट पार्ट बिकॉज ट्रिपल एस प्रोवाइड्स यू द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप लोग डेली फ्री टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं. फ्री क्विजेस भी हैं यहाँ पर, फ्री टेस्ट वगैरह भी डलता रहता है और ये सब के सब तो कर ही सकते हैं. साथ साथ में आपके बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं जैसे मैंने अभी VLW का एग्जाम का की बात करी. इसके अलावा आपका KS का भी इन लॉन्ग टर्म आपका वो भी एग्जाम आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का KS का एग्जाम आपका आने वाला है. या फिर आपके और भी बहुत सारे कुछ एग्जाम्स वगैरह आपके आते रहेंगे. तो छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम कैसे भी आपका एग्जाम हो सबके सभी एग्जाम्स के लिए आपका फॉर JN के स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए आपके ऑल कोर्सेज अवेलेबल available at a very discounted price, very affordable price. Therefore, you can go and check that thing out as well. क्या करना है? कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है. आपको जाना है Google Play Store पे और जाकर वो app download करना है ClassPass नाम का. And then progressively you can of course with an ORG code you can also go about Tripless app also. ठीक है? चलो बात होगी बहुत सारी. तो थोड़ा सा मैं ना I'm little uneasy today. मैं उसके बताता हूँ reason कि मैं और lecture काफी late भी आ रहा है. तो द थिंग इज कि यहाँ पर हमारे कुछ चार दिनों से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है. ट्रांसमिशन लाइन में बहुत बड़ा कोई फॉल्ट है. तो ऑलमोस्ट हमारी चार दिन से करीबन 16 घंटे हमारा पावर कट हो रहा है. 16 आवर्स पर डे पावर कट हो रहा है. ठीक है, तो कल तो 18 घंटे हो गया था. तो थोड़ा सा ये इशू है. तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट कि थोड़ा बहुत लेक्चर्स आपके, वरना आपको हर दो दिन में एक लेक्चर देखने को मिल जाता है. इट इज नॉट रेगुलर. वो मैं जानबूझ के रेगुलर लेक्चर नहीं हो पाते बिकॉज आपको अब्सॉर्ब करने का टाइम भी देना चाहिए. तो रेगुलर लेक्चर नहीं होते पर आपको हर दो दिन में एक लेक्चर देखने को मिल जाता है. पर ये शायद ये लेक्चर के अंदर आपको दो तीन दिन का डिले ऑलमोस्ट हो चुका है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आगे से दिक्कत ना आए. हालांकि मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, वो भी आप लोग जानते ही हो. तो यार गर्मी सर हमारे यहाँ इतनी है सर 46 डिग्री सेल्सियस जितनी आपकी जम्मू के अंदर है. तो इट इज़ वेरी टेरेबल. रात को नींद भी नहीं आती है. मैं इतना कह सकते हैं. खैर सब बातें साइड में रखते हैं. हाँ भाई, तो कुछ लोग पहले परेशान हो रहे थे कि सर राइट टू फ्रीडम तो आपने छोड़ दिया. राइट टू फ्रीडम तो अभी हमारे आर्टिकल नंबर आगे वाले बताए नहीं, 22 तक आता है. तो बिल्कुल आता है, अभी पढ़ेंगे ना. एक्चुअली क्या है ना कि एक वो 21 तक पढ़ चुके हम लोग. 20 और 21 इस थोड़ा सा अभी चलेंगे, उसको समझेंगे उस आर्टिकल को. मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दिखानी थी उसके बारे में, वो आपको दिखाऊंगा आज. आपको फीलिंग आएगी इस चीज की. तो मैं वो निकाल के मैंने नहीं रखी हुई थी इसलिए मैं वो मैंने कट ऑफ से वहां पर कर दिया. तो अपना कौन सा एक्ट आ रहा है, दैट इज पहले मर जाओ आर्टिकल तो लिखा है नहीं. आर्टिकल नंबर 21. आज इंटर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया ना, पर चलो कोई नहीं. इंपॉर्टेंट चीजें थी तो बात करनी भी जरूरी थी. आर्टिकल नंबर 21 ये किसके रिगार्डिंग बात करता है? देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं सीधी सीधी भाषा में राइट टू लाइफ, जो कि बिल्कुल सही है राइट टू लाइफ. बट इसका पूरा अगर मैं आपको लिखवाने की कोशिश करूं तो याद रखना यहां पर लिखा हुआ है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर life and personal liberty, except, ये बहुत important point है, except
टू द, एक मिनट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट आई हाय टू कहां से आ गया, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर established by law. देखो ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, according to procedure established by law. मतलब आप सबको आपकी अपनी पूरी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, पर्सनल लिबर्टी मिलेगी, आप जो चाहो कुछ कर सकते हो, मतलब ये फ्रीडम के अंदर ही आपका आ रहा है एक तरह का. लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड इज प्रोसीजर established by law, कानून के तहत जो होगा वो आपको मिलेगा, कानून के तहत जो नहीं होगा वो आपको नहीं मिलेगा, as simple as that. इसको ना बोलते हैं बिकॉज आर्टिकल नंबर 21, ये इतना बड़ा राइट है ना यार, मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी आप बात, आप एक पॉइंट भी सोचने की कोशिश करो कि मुझे कहीं जाना है, मुझे मुझे उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो यस दैट कम्स आल्सो अंडर आर्टिकल 21. क्या आप अपने घर में पेड़ लगाना चाहते हो, है ना, या आप अपने कह लो अपने बगीचे में कोई बरगद का पेड़ लगाना चाहते हो, लगा सकते हो, लगा सकते हो, दैट्स आल्सो विद यू. आप घर में कुत्ता पालना चाहते हो, पाल सकते हो. आपके पड़ोसी शायद उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, पर आप कुत्ता पाल सकते हो एज लॉन्ग एज वो आपके घर के अंदर है. इतना बहुत मजाक मजाक वाली बात कर ली, बट एक्चुअल में इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस भी हैं. फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर दिस, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर दिस, ठीक है, बहुत सारे आपके और भी निकल के आते हैं, राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरमेंट, आपके घर के आसपास गंदा ना हो, वो सबके सब वो भी आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मतलब आपको अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है. मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये जो राइट टू लाइफ है इसका एक और भी इंप्लीकेशन निकल कर आता है. अगर आपको याद हो मेरे को ज्यादा तीन टाइप के राइट होते हैं, एक होता है ह्यूमन राइट, एक होता है आपका फंडामेंटल राइट्स, और एक होते हैं आपके लीगल राइट्स. तो मैंने आपको फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बारे में तो थोड़ा बहुत बता दिया था. ह्यूमन राइट्स जो है ना ये कौन गार्ड करता है, ये करते हैं आपका यूएन गार्ड करता है, यूनाइटेड नेशंस को क्या करता है, गार्ड करता है. यूनाइटेड नेशंस कब फॉर्म हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से दोगे. इसका इनिशियल हेडक्वार्टर जो था वो सैन फ्रांसिस्को था, ठीक है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में था, बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके न्यूयॉर्क में कर दिया गया, ठीक है. इसकी जो बॉडीज है ना यूएन की, अगर मैं बताऊं तो आपकी कितनी बॉडीज है बताना जरा, 6 मेजर ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से एक जो मेजर ऑर्गन है ना उसका हेडक्वार्टर आता है आपका हॉलैंड के अंदर. हॉलैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हॉलैंड या नीदरलैंड व्हाटएवर यू कैन से, उसका नाम है आईसीजे. पिछले साल बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है. ये मेरे को बताओ कि यूएन फॉर्म कब हुआ था, और उस दिन हम लोग यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं, और किस साल में फॉर्म हुआ था वो भी आप मेरे को बताओगे फटाफट से, ठीक है. और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बता दो, मजा आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, न्यूयॉर्क के जो हेडक्वार्टर है ना वहां पर एक गांधी सोलर पार्क भी है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब गए थे ना तो वहां पर इनॉग्रेट करके आए थे. क्या यार ये पेन खराब हो जाता है. हाँ, तो लिबर्टी एंड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, हाँ क्या बात करते हैं हम लोग. हाँ, दिस इज इसे क्या बोलते हैं, मोस्ट इनफर्ड आर्टिकल. मतलब इसके अंदर इतने सारे है ना आर्टिकल की ना, ये ऑलमोस्ट हमेशा न्यूज के अंदर रह ही जाता है, हमेशा इसके अंदर ये मतलब ये बना ही रहता है, खबरों के अंदर बना ही रहता है, और इस सारे इसको इन्फर किया जाता है या फिर रेफर किया जाता है, ऐसा समझ सकते हो. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. अपन कंपेयर किसी से नहीं कर रहे हैं यार, ठीक है, कि सब ना कुछ ना कुछ लोग बोल के चले गए, इसलिए हम लोग उसको खाली नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अब आपके हिसाब से शायद ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट ना हो, है ना, तो क्या करें, अपन नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, आंसर करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों बोला, मैं आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे आपके और आते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट टू शॉर्ट में लिख दो, राइट टू हैव लिवेबल इन्वायरमेंट. आपके आसपास सारा माहौल बढ़िया बढ़िया हो, है ना, इन्वायरमेंट अच्छा हो, ये भी इसके अंदर ही आपका आ जाएगा. देन अगर मैं बताऊँ तो आपको राइट टू क्या कहते हैं आपका राइट टू प्राइमरी एजुकेशन का आपको अधिकार मिले. आपने ये चीज नोटिस करी होगी, डेफिनेटली नोटिस करी होगी कि आपने देखा है कि ऑलमोस्ट हर बच्चा राइट टू हेल्थ इज ऑल्सो देयर. राइट टू हेल्थ का मतलब देखो, इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मस्त एग्जाम्पल देता हूँ आपको. राइट टू हेल्थ, आपने ये चीज नोटिस करी कभी, राइट टू हेल्थ एक्चुअली मतलब ये अगेन राइट टू हेल्थ एग्जैक्टली वर्ड नहीं है, राइट टू पब्लिक हेल्थ इसका पूरा नाम हो गया, वो भी इसके बीच में आपका आ जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊँ मैं आपको, तो आपने देखा होगा अगर मान लो आप बीमार हो तो क्या करते हो, आप हॉस्पिटल में कॉल करते हो 911 व्हाटएवर, जो भी आपके नंबर आई थिंक 103 व्हाटएवर स्टफ इज देयर. तो क्या होता है, जैसे पंजाब में 104 है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास क्या आती है, एम्बुलेंस आ जाती है. ये एम्बुलेंस क्यों आई, आपके फोन करने पर एम्बुलेंस आ गई, ये आपको रियलाइज नहीं हो रहा, बट दिस इज योर राइट. आप लोग टैक्स देते हो, मतलब ऐसे बहुत सारे कम लोग ही टैक्स देते हैं, पर आप लोग कहीं ना कहीं देश की जीडीपी या जिसके अंदर सब कुछ में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप भी मतलब जो हमारा स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि आपके कुछ ना कुछ डिमांड्स हैं, आपके कुछ ना कुछ एक प्रॉपर अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक प्रॉपर आराम की जिंदगी जीने के लिए आपको भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करें, ठीक है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना, और डेमोक्रेसी कंट्री वैसे भी हमारा ही है.
तो यहां पर क्या होता है कि एम्बुलेंस का अधिकार क्या आपको मिले कि अगर आपको नीड है तो आपके पास एम्बुलेंस पहुंचे। ऑफकोर्स सब्जेक्टेड टू व्हाट होगा कि जो आपका कोई मतलब हॉस्पिटल है उसके पास दो एम्बुलेंस है, तो अगर दोनों एम्बुलेंस भेज दी फिर तो आपके पास एम्बुलेंस नहीं आएगी ना यार, थोड़ा टाइम लेट हो जाएगा। लेकिन देयर इज अ प्रोविजन, और ये जब पूरा स्टेट डिजाइन होता है ना तो ये डेफिनेटली देखा जाता है, ये लिटरली दिस इज समथिंग व्हिच कीप्स ऑन हैपनिंग, ये रिकॉर्ड करते हैं कि फायर ब्रिगेड के पास इनफ कार्स है कि नहीं है, क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर लोकैलिटी के अंदर अब से यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर अंदर कितनी एम्बुलेंसेस अवेलेबल हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर बीन टेकन केयर ऑफ वेल, या एक प्रॉपर तरह से जो एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के टाइम पर ये चीज देखी जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे आपके और राइट्स वगैरह मिल जाएंगे। राइट टू फॉर एग्जांपल ये मतलब हेल्थ को ही के अंदर आता है आपका मेडिकल अटेंशन, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो एक होता है राइट टू पब्लिक हेल्थ, एक होता है राइट टू इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपका कुछ और राइट्स वगैरह बहुत सारे और भी राइट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब आप अगर लक्ष्मीकांत को देखोगे तो एक पेज के ऊपर पूरा का पूरा लिस्ट दी हुई है। आई गेस कम से कम 15 आर्टिकल तो वहाँ पे मेंशन किए होंगे इसके अंदर ही अंदर। लेकिन हमारे ऊपर हम भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ आर्टिकल्स, हम भी एक दो आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, याद रखना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना केसेस वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर से हैं, तो पहले उसको हल्का सा पढ़ लेते हैं। तो देखो यार, एक आया मोहिनी जैन केस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, बट आपको बस याद करना, बस इतना रख लो। एक मोहिनी जैन केस आया था, उसमें क्या था हमें फर्क नहीं पड़ता, क्या आया था क्या नहीं आया था। इसके बाद आया सर आपका जेपी उन्नन कृष्णन केस। ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज VLW के अंदर आपको बहुत मतलब टॉपिक बहुत ज्यादा कम मेंशन है, तो अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बने तो भी आप लोग आंसर कर सको। ठीक है, क्या कहते हैं आपका उन्नन कृष्णन केस ये आया था 1993 के अंदर, ये आया था 1992 के अंदर। ठीक है, उन्नन कृष्णन केस ये दोनों ही केस की डिमांड क्या थी, इन दोनों ने बोला क्या, एक सेकंड जाओ, ये ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों ही केस ने क्या बोला कि भैया राइट टू एजुकेशन जो है इसे क्या करना चाहिए, इसे आपको फंडामेंटल राइट का दर्जा देना चाहिए, इससे पहले फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करता था। इससे पहले क्या था, वो आपका DPSPs के अंदर आपका आता था। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना DPSPs यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 14 साल की उम्र वहां पे मेंशन की हुई थी, बाद में से काट के 6 इयर्स की उम्र कर दिया गया, और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको उठाकर राइट टू एजुकेशन एक्ट में डाल दिया गया कि इनको स्टेट मेक श्योर करेगा कि इनको एजुकेशन मिले, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिले ये मेक श्योर करेगा। तो 0 से लेकर 6 साल की उम्र कहां पर आगी, वो कहां पर होगी आपकी DPSPs में पहुंच गई, उसके रिगार्डिंग हम लोग तब बात कर लेंगे। तो ये दोनों की डिमांड थी कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का क्या मिलना चाहिए, टैग मिलना चाहिए। अब आफ्टर दिस लाइक जब सबके सब लोग डिमांड कर ही रहे थे तो बिल्कुल यहाँ पर काम होगा। तो इसी के तहत इनकी रिकमेंडेशन को लेकर, इन केसेस की रिकमेंडेशन को लेकर कब आर्टिकल नंबर 21A ये बना जाता है। आर्टिकल नंबर 21A यहाँ पर निकल कर आता है सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं आर्टिकल नंबर 21A क्या है। वेरी वेरी सिंपल, राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखा चलेगा ना, चलो कोई नहीं, राइट टू एजुकेशन ये आपका निकल कर आया। कब निकल कर आया, कौन सी अमेंडमेंट के अंदर निकल कर आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसके रिगार्डिंग हम लोग, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैं इसके रिगार्डिंग आपको फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट में बात कर रहा हूँ, इसी सेम चीज को DPSP के अंदर बात करूंगा, इसी सेम अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में लास्ट जो अमेंडमेंट हुई थी जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी से 11 फंडामेंटल ड्यूटी करी गई थी, वो भी यही अमेंडमेंट है। तो इस अमेंडमेंट में तीनों बहुत कमाल के अमेंडमेंट है, इसमें फंडामेंटल राइट भी ऐड हुआ, इसमें DPSPs में भी चेंज हुआ, और इसके अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ठीक है, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पर कब हुआ था, ये आपका आया था 2002 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये आपका ऐड हुआ, इसके अंदर एक्जैक्टली ऐड क्या हुआ, इसने बोला राइट टू एजुकेशन तो बोला, लेकिन प्रॉपरली जो बोला गया वो था राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, समझ रहे आप, फ्री एजुकेशन मिली चाहिए। अब बोलोगे यार हमारे पास फ्री एजुकेशन का राइट है तो हम लोग फालतू में काहे को फीस देते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, दिस एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर एज का ब्रैकेट चेंज करके 0 से 6 साल कर दूंगा ना तो फिर वो फंडामेंटल राइट ना लेकर वो फंडामेंटल ड्यूटी बन जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, मतलब आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग इस चीज को, बिकॉज ये सिलेबस आपका कम है तो उस हिसाब से पढ़ लो, है ना, अच्छे से एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। तो राइट टू फ्रीडम एजुकेशन, हाँ ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, फ्री एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो आप लोग कैको पैसे देते हो, देखो आप लोग पैसे देते हो बिकॉज आपको फैसिलिटीज भी रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज आंगनबाड़ी वगैरह में जाओ या कहीं और चले जाओ तो वहां पर आपको बहुत सारे या सरकारी स्कूल में चले जाओ गांव वगैरह में, वहां पर एक्चुअल में फ्री एजुकेशन ही दी जाती है। वो अलग बात है कि स्टैंडर्ड उसका इतना अच्छा नहीं होता, एंड हर पेरेंट चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो बेस्टेस्ट ऑफ जगह से एजुकेशन प्राप्त करें,
ठीक है, तो वो वहां पर नहीं भेजते हैं, पर दैट इज ऑल्सो द केस आउट देयर। ठीक है, याद ये रखना, ये राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल तो ये ऐड हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, सुन रहो, समझ समझना क्वेश्चन समझना, राइट टू एजुकेशन तो आपका 2002 के एक्ट के अंदर आ गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, ये तो क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको आरटीई बोलते हैं आप लोग, है ना, आरटीई, आरटीआई नहीं बोल रहा, वो आरटीआई हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 2005 में आया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, ये आया आपका 1 अप्रैल 2010 को, ये आपका मतलब ये एप्लीकेबल हुआ था। याद रखना ये दोनों दोनों कंडीशन क्या आपके डिफरेंट ही हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, डिफरेंट हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, चीजें आराम से क्रिस्टल क्लियर करके समझनी है, एक ही पेज पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं थोड़ा बनाने की कोशिश की है, अभी भी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट में एक्ट और पढ़ना है, सॉरी हाँ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें और पढ़ना है, या एक्ट भी कह रहा हूँ, बात सेम है। देखो इसी के अंदर अभी राइट टू, ये हमारा 21 ही चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर ही हम लोग एक और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को सबमर्ज कर लिया गया, इनटेक कर लिया गया अंडर द बिग अम्ब्रेला, एक छाता होता है ना, छाता, छाते के नीचे इस इंसान को भी, इस एक्ट को भी जगह मिल गई, वो छाते का नाम क्या है, वो छाते का नाम है राइट टू लाइफ, वो उसका नाम क्या है आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 कहता है, और इसी अम्ब्रेला के अंडर, इसी अम्ब्रेला के अंडर आपका क्या हो गया, बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया अभी, दो चार आपको राइट्स बताए थे, अभी मैंने आपको राइट टू एजुकेशन बताया, तो राइट टू प्राइवेसी भी यहाँ पर क्या हो गया, इसे भी यहाँ पर एंट्रेंस मिल गई, कब मिली थी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर थोड़ी सी इंप्लीकेशन भी समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी ये बेसिकली डिमांड किया था, काफी रिसेंट केस आपको देखने को मिलेगा, 2017 के अंदर इसे ऐड किया गया था, बहुत सारे सोर्सेज में आपको 2018 देखने को मिलेगा, इवन मैं आपको एक रिसोर्स आज भी दिखाऊंगा, उसमें 2018 लिखा हुआ है, बट 2018 गलत है, 2017 के अंदर ये केस आया था, और वो केस का नाम कौन सा है, ये है आपका पुट्टोस्वामी, पुट्टोस्वामी है ना, पुट्टोस्वामी या पुट्टोस्वामी समथिंग करके केस है, ये केस था, जस्टिस पुट्टोस्वामी जी ने इसके ऊपर मतलब ये बोला था, इसका रिप्लाई किया था, और उसके तहत ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो आपका बिकेम अ फंडामेंटल राइट, ये क्या बन गया, फंडामेंटल राइट अंडर अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 21। अब देखो थोड़ा सा तो समझ आएगी होगा आप लोग, इतना कोई डिफिकल्ट वाला काम था नहीं, लेकिन अगर समझना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको, फिर आपको दिखाऊंगा भी इस प्रूफ के साथ, ये बेसिकली राइट टू प्राइवेसी तो यहां पर बन गया, इसके बाद इसके तब से जब से राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसी निकल कर आया, प्राइवेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि यार मेरा, मैं अपने काम से काम रखता हूं, तुम अपने काम से काम रखो, या मेरी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो जग जाहित ना हो जाए, है ना, जग पर्सनल डिटेल्स जो है जग जाहित ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, फिर मैं आपको एक्चुअल केस समझा दूंगा। जैसे अभी मैं दिख रहा था कि ना, जब जेके पीएसआई के रिगार्डिंग काफी बड़ा ये स्कैम वगैरह करके जो भी आपकी न्यूज वगैरह चल रही थी, ठीक है, आई एम नॉट सपोर्ट, मैं किसी के रिगार्डिंग अभी उसको, इसके टॉपिक को अलग लेके मैं चले जाना, सिर्फ ऑब्जेक्टिवली सोचो, न्यूट्रल तरीके से सोचो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो मैं देख रहा था, मैं ट्विटर के ऊपर मैं भी ट्वीट वगैरह कर रहा था अपनी तरफ से, जो भी हम लोग कर सकते हैं मैं कर रहा था, ठीक है, तो उस ट्वीट के दौरान ही मैं आई वॉज ऑल रीट्वीटिंग सम स्टफ आल्सो, तो मुझे एक सामने, मेरे सामने वो एक आई थी, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मार्कशीट, एक कोई भी जो भी कोई हैशटैग स्कैमर समथिंग कह लो, जो भी स्कैम के जो लोग शामिल वगैरह थे उसमें, जो एस्पिरेंट काइंड ऑफ रहा होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत आई थिंक जो भी किया होगा, मुझे पता नहीं क्या, बट उनकी मार्कशीट सामने आ रही थी। अब एक बात मुझे बताओ, उनकी मार्कशीट अवेलेबल कैसे होगी यार, उनके उस इंसान के पास भी राइट टू प्राइवेसी हो सकता है ना, कि यार मेरी मार्कशीट जग जाहिर क्यों कर रहे हो, मेरे मार्क्स इतने मर्जी आए हो आप जग जाहिर क्यों कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। मैं ये जो जेके पीएसआई के अंदर मार्क्स स्कोर किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल मार्कशीट जो कॉलेज लेवल की या प्लस टू लेवल की व्हाटएवर स्टफ इज जो भी आपकी सर्कुलेट हो रही थी, तो ये राइट टू प्राइवेसी के अंडर ये भी तो आ सकता है कि वो बोले कि मेरी क्यों सर्कुलेट कर रहे हो, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि तू तो मैथ में बहुत बेकार है, तू तो ये है वो है, समथिंग लाइक ब्ला ब्ला कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज ट्रू। बट एक और चीज निकल कर आती है, जिसे बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके पास क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपके पास में, कि आप लोग दुनिया को पता होना चाहिए, दुनिया के पास हक है, या हमारे देश के पास, दुनिया नहीं सॉरी, हमारे देश के जो नागरिक है उनके पास हक है कि वो किसी एक पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग अच्छे से इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना डिसबैलेंस केस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ये तो कोई ऑफिशियल केस तो है नहीं, ये तो आपको बिल्कुल देसी से एग्जांपल दिया जो कि आप रिलेट कर पाओ। अब आपको एक केस समझाता हूँ, ये केस आज से एक दो साल पहले तक काफी मशहूर था, शायद आपने नाम सुना, आशुतोष कौशिक का। अरे यार आशुतोष कौशिक, इफ यू डोंट नो, ये बिग बॉस सेम रह चुके हैं, मुझे पता नहीं कौन से सीजन वगैरह में आए थे, ठीक है, और रोडीज के भी कोई विनर वगैरह रह चुके, मैं वो भी नहीं जानता कि किस सीजन के अंदर आया था, अभी हम लोग पढ़ेंगे उनके आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आशुतोष कौशिक के द्वारा कुछ साल पहले, मतलब करीबन करीबन 16-17-18 समथिंग साल पहले, इनके इनसे एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। रोड एक्सीडेंट क्या मतलब, वही
होता ना, मतलब प्रॉपर एक्सेंट वगैरह हो गया था एंड सम मिस हैपनिंग हैपेंड. अब उसके रिगार्डिंग बिकॉज ही इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर, ठीक है. अब एक्टर के लिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, आप सब लोग को पता है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल बताता हूँ. अगर मैं सारा अली खान का नाम लूँ, सारा अली खान का नाम लूँ, तो आप क्या बोलोगे? क्या सारा अली खान तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी सी है और बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट सी है. क्यों? बिकॉज ये एक होता है जिसे बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग. ये शायद आप लोग समझ नहीं पाते हो, बट इसके बारे में रखा करो, ये सीधा सोच रखा करो. इसे बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग. आप सारा अली खान को कभी पब्लिक में देखोगे ना, वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही गो टू क्लोथ्स के अंदर, सलवार के अंदर या नॉर्मल जो भी क्लोथ्स होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे. क्यों? बिकॉज एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, एक नैरेटिव. क्योंकि हमेशा पेपराजी वगैरह आते हैं, उनको हमेशा हंस हंस के रिप्लाई करना. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच में ऐसी नहीं है, मुझे नहीं पता वो कैसी है, आई डोंट नो हर, बट ये डेफिनेटली एक नैरेटिव बिल्डिंग का पार्ट होता है. अब इससे क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़रा घरेलू है, बहुत ज़रा एसोसिएटिव है, तो लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं. अब ये कैसे इन चीज़ से फायदा उठाया जा सकता है वो आप सब लोग जानते हो, एडवर्टीजमेंट हो जाए या किसी चीज़ का हो जाए, व्हाटएवर स्टफ इज देयर. तो व्हाट आई वांटेड टू से इज इमेज पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, अब आशुतोष कौशिक जो है एक्टर है, उनके साथ एक केस हो गया. केस होने के बाद क्या हो गया, हर मीडिया पोर्टल ने उठा उठा के हर जगह. अब आशुतोष कौशिक जब भी गूगल करोगे ना, मतलब आज से कुछ टाइम पहले से गूगल करते, इवन अभी भी करोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा. क्या देखने को मिला आपको कि इनके जो एक्सीडेंट जो इनसे हुआ था, जो भी इनका सिन हुआ था, जिसके लिए इन्होंने काफी बड़ा सजा भी भुगती, उसके बारे में पहले बारे पता लग जाता था. अब सोचो जरा, इसको बना दिया किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर, इसको बना दिया किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर. अब जब बंदा नीचे देखता है कि यार आशुतोष कौशिक बड़ा स्मार्ट लग रहा है, चलो गूगल करके देखते हैं. अब जैसे ही गूगल करोगे तो क्या होगा, पहले एक्सीडेंट वाला केस सामने आ जाएगा. तो आप इनसे एसोसिएट कर पाओगे क्या? नहीं. आप तो बोलोगे तो बंदा खराब है यार, ये तो बंदा खराब है. जब बंदा खराब है तो इनको कुछ काम भी नहीं मिला, काम भी नहीं मिला, इवन इनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी. वैसे अब तो इनकी शादी हो गई, लॉकडाउन के अंदर इनकी शादी हुई थी, बट शादी भी नहीं हो पा रही थी. इन्होंने पर्टिकुलरली जो केस फाइल किया था कि यार मेरे जो भी मैंने ये अब बताता हूँ आपको मैं केस के बारे में. तो इन्होंने बेसिकली ये बोला भी था कि मेरे को शादी करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज कोई शादी करना चाह ही नहीं रहा था, बिकॉज मेरी इमेज इतनी ज्यादा खराब थी. तो एक गलती की सजा मैं जब भुगत भी चुका हूँ, उसकी जो सजा मिलती है वो मैं प्रॉपर जैसे भुगत चुका हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट इट टिल टुडे. लेकिन अब तो मुझे इसके बाहर निकलने का अधिकार मिलना चाहिए ना, तो ये निकलकर एक केस निकलकर आया. मैं इतना सीधे समझा रहा हूँ कि आप लोग उसकी चीज को डेप्थ से समझ सको. अब इस केस को कैसे देखता हूं, मैं समझाता हूँ आपको जरा केस के क्या है आपका. ये रहा, अरे ये क्या खुल गया, हाँ ये, ओ वाओ, प्रेजेंट इलेक्शन हो रहे हैं, चलो कोई नहीं. देखो ये है आशुतोष कौशिक, हेयरिंग शेड्यूल फॉर आशुतोष कौशिक राइट टू बी फॉरगॉटन प्ली, ठीक है, राइट टू फॉरगॉटन. इन्होंने एक एक्ट डाला जिसे बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन. राइट टू बी फॉरगॉटन एक्चुअल में राइट टू प्रिवेसी के अंडर आता है, राइट टू प्रिवेसी के अंडर. देखो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी के अंदर राइट टू बी फॉरगॉटन. फॉरगॉटन का मतलब क्या है, जो भी आपके जो भी आपने जो भी कुछ किया वो सब कुछ क्या कर दिया जाए, भुला दिया जाए. हर सोशल मीडिया से हर चीज से वो चीज क्या कर दी जाए, डिलीट कर दी जाए. अब इसके अंडर उन्होंने प्ली डाली, लेकिन इनकी प्ली एक्सेप्ट नहीं हुई है फाइनली, बिकॉज क्या रीजन है उसका वो भी बताता हूँ मैं आपको. आशुतोष कौशिक देखो ये आपका रोडीज 5 जो भी आपका सीजन आया उसके अंदर बिग बॉस 2 के अंदर आपके रह चुके हैं, और ये ड्रंकन एंड ड्राइविंग वाला केस था और कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी इनसे कुछ हो गया था, ठीक है. थोड़ा सा पकड़े देखते हैं. देखो उन्होंने क्या करा, राइट टू बी फॉरगॉटन, और यहाँ पर क्या बोला, देखो ये देखो, द शेयरिंग शेड्यूल फॉर, छोड़ो एक बार बोली, द एक्टर सेड दैट हिज लाइफ इज स्टिल बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड बाय द मिस्टेक दैट ही हैज एररसली या एररसली कमिटेड मोर देन अ डेकेड अगो. 10 साल से ऊपर हो चुके और वो गलती हुई थी और उसकी सजा अभी भुगत रहे हैं. देखो यहाँ पर क्या, आई वॉज क्या हो गया इसको, ओ भाई हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, अरे कमाल की बात है, हाईलाइट नहीं हो रहा, चलो. आई वॉज 27, आई गॉट एवरीथिंग आई वॉन्टेड टू सो अर्ली लाइफ, आई लॉस्ट माई फादर, ये चलो छोड़ो कुछ नहीं है, हाँ आगे सॉरी. Okay, I was inexperienced and made a mistake and I was punishing for it and but I am 42 now and I'm still paying for the price. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, every time I move to my home, my new neighbors look at me strangely. That is the case. और सच में अगर आप सोच कर देखोगे तो it is very difficult. ठीक है, my relatives were from my concerned about my past. My brother refused to accept my our marriage and still doesn't talk to me. But I feel that everyone mistakes in their life. So should ये जो भी है, husband be penalized for lifetime and all. ठीक है, ऐसे करके. तो ये वाला पूरा केस यहाँ पर चला और आगे भी कुछ और लिखा हुआ है कि हाउ कैसे ये वर्क करेगा या नहीं करेगा. और गूगल वगैरह ने तो मना कर दिया बिकॉज गूगल बोलता है कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है. अब हुआ क्यों, देखो यहाँ पर एक और देखो, इधर देखो ये वाला केस अलग दिखा देगा आपको. इन द लैंडमार्क केस ऑफ के एस पुट्टस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट टू फील फॉरगॉटन एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जो मैंने आपको भी बताया अभी है ना. बट The Supreme Court has stated that the right to be forgotten was subjected to a certain restrictions. मतलब उसके अंदर कुछ restrictions है. वो ऐसा नहीं है कि right to be forgotten हर कोई apply कर सकता है. And that could be not be used if the material in question was required for what? सबसे पहला point आप देख लो, exercise of the right to freedom of expression and information. मतलब क्या है? अगर लोगों के बारे में देखो, for example यार मैं बोलूँ कि मेरे पड़ोस में कोई terrorist है, तो मुझे पता होना चाहिए ना यार इसने कुछ गलत काम किया हुआ है, तो मैं भी अपना safeguard रखूंगा. Because अगर किसी का criminal record है, therefore ये
पता होना आपको भी जरूरी है। अगर आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल नहीं देखा है तो क्राइम पेट्रोल वगैरह में आपको सावधान इंडिया वगैरह में दिखाते रहते हैं, क्योंकि एक इंसान का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो उससे पूरा ढंग से बाहर नहीं निकल पाया था, एंड देन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द जेल दे ऑल्सो स्टार्ट टू कमिट अनदर क्राइम। सो इफ दैट इज द केस देयरफॉर यू ऑल्सो हैव द राइट, कि आपको पता होना चाहिए कि दैट पर्सन इज हैज बीन अ कल्प्रिट, हैज बीन अ पास्ट, हैज हैड अ डार्क पास्ट। इसके बाद आप लोग डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कैसे डील करना है, दैट इज योर केस। बट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज विद यू, देयरफॉर यू शुड बी एलिजिबल, यू शुड गेट द इन्फॉर्मेशन। सो इस बेसिस के ऊपर वो आपका राइट टू बी फॉरगॉटन को रिजेक्ट किया जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली हुआ भी, ठीक है, ऐसे करके। तो बस याद रखना, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था आपको बताने की मैंने कोशिश करी। वैसे तो अगर आप कोई अच्छे लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल केएस वगैरह की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी करो, तब आपका ये वाला पॉइंट काम आता है, बट मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए बिकॉज आपका रिस्पॉन्स काफी सारा अच्छा है। चलो ये सब तो बातें होगी, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये भी नहीं यार, ओके यार ये देखो ये वीडियो है लेक्चर नंबर टू एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं पढ़ रहे, बट ये पेज खुला है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार बता दूं आपको। राइट, लेक्चर नंबर टू एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी वाला, यही सीरीज हमारी चल रही है। इसके अंदर यार ये ना 27 मिनट 30 सेकंड के आसपास मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंपनी रूल, ये कंपनी रूल नहीं है, ठीक है, ये 1857 में रिवोल्ट हो चुका था, तो उससे पहले कंपनी रूल था, 1773 से लेकर 1858 तक जो था वो कंपनी रूल था, उसके बाद क्राउन रूल आ गया, हम क्वीन के अंडर आ गए, ठीक है, तो ये क्राउन रूल है, यहाँ पर कंपनी के क्राउन रूल होना चाहिए था। अब थैंक यू सो मच फॉर दो देवियां, बिकॉज दो देवियां ने ये बताया इसके बारे में, एक तो है काजल जी जिन्होंने यहाँ पर लिखा 27 मिनट्स के ऊपर कंपनी रूल था, क्राउन रूल था, प्लीज रिप्लाई, मैंने यहाँ पर रिप्लाई किया भी था क्राउन रूल, ठीक है, और ये मैं इनका नाम प्रॉपर से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, पर ये भी देवी जी है, ठीक है, 28 मिनट पर कंपनी रूल और क्राउन रूल कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने यहाँ पर इनको भी रिप्लाई किया था, ठीक है, तो प्लीज एक बार जाकर देख लिया करो चीजों को, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन को देख लिया करो, और अगर ऐसी गलतियां आपको फाइंड आउट होती हैं तो प्लीज मेंशन करो, बिकॉज बाकी सब लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में आपको बता रहा था और मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको ढंग से कुछ खास पढ़ाया भी नहीं, बस आपको मैंने बस उसकी हवा सी दी है, बिकॉज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एज सच फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा सा कभी फ्लो फ्लो में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं तो गड़बड़ मत लेना, ठीक है। चलो नाउ लेट्स कम बैक टू टॉपिक इटसेल्फ, कांगे अपना यार ये, हाँ ये ना भेजना, ओके चलो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ आशुतोष कौशिक हो गया, बस यहाँ पर लिखना चाहो तो राइट टू बी फॉरगॉटन लिख लो, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है, ये आप हल्का सा केस है, अब कैसे लिखोगे मुझे नहीं पता, बिकॉज आपको इतना बस आपको जानने की जरूरत थी, आपने जान लिया, दैट्स इट। ऑल राइट, एक क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दे दो, कैन आर्टिकल 21 बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, क्या ये सस्पेंड हो सकता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, क्योंकि मैं आपको कल ये आंसर कर ही चुका हूं, ठीक है, सबको सब जानते हैं इस आंसर के बारे में, नहीं भी जानते तो आपको जानना चाहिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उफ़, गर्मी इज वेरी लाइक, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो एनीवेज क्या था इसके बाद अपना आर्टिकल नंबर 22 जो कि बेसिकली किसके रिगार्डिंग बात करता है, ये बात करता है प्रोवाइड्स राइट्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव से लिखा ना, हाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन राइट अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब यार ये कौन सी बला होगी, क्या है ये, ना प्रिवेंटिव समझ आ रहा है ना डिटेंशन समझ आ रहा है, एक बार अगेंस्ट लिख दो आप ना, इन लिख दो, प्रोवाइड राइट्स, चलो ठीक है अगेंस्ट, ठीक है अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, देखो पहले समझते हैं डिटेंशन का मतलब, डिटेंशन का मतलब होता है किसी को पकड़ना, जेल में उठा के डाल देना, मतलब पकड़ना, सिंपल सी बात है, पकड़ के जेल में डाल देना, उसे बोलते हैं डिटेंशन, डिटेंशन या कैद करना, है ना, कैद करना इज डिटेंशन। अब ये डिटेंशन दो प्रकार की होती है, एक क्या होती है प्रिवेंटिव और एक को बोलते हैं अपन प्यूनेटिव, डिफरेंस क्या है दोनों में, प्रिवेंटिव प्यूनेटिव, डिटेंशन मतलब पकड़ना, प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि यार मुझे शक है कि आपने कुछ झोल किया है, फॉर एग्जाम्पल अगेन जेकेपीएसआई का स्कैम ले लेते हैं, बिकॉज आपका अभी ताजा ताजा है ना, तो एग्जाम्पल जितने रिलेटेबल लोन उतना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब ये प्रोब किया जाता है तो मान लो कोई इंसान पकड़ा जाता है और उसके ऊपर शक होता है, अभी पक्का कंफर्म नहीं है लेकिन शक हो रहा है कि यार इस बंदे ने झोल किया, तो क्या करेगी पुलिस आएगी उसे पकड़ के ले जाएगी, और उसके बाद उनसे क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, व्हाटएवर स्टाफ, उन्हें 10 घंटा जेल में बिठा के रखे, जेल में नहीं मतलब या जो कह लो पुलिस स्टेशन में बिठा के रखे, या व्हाटएवर स्टाफ इज देयर, या फिर उठाकर शायद अगर कुछ ज्यादा बड़ा केस लगता है तो उन्हें उठाकर जेल भी कर सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर,
वैसे वो इस केस में कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं लगेगा, जेल तो नहीं होने वाली, वो पॉइंट अलग है, बिकॉज वो कोई बड़े बड़े केसेस होते हैं उसके अंदर ही देखने को मिलता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी कि अभी क्या है क्राइम कमिट हुआ है क्या, नहीं, क्राइम या फिर कह लो कि आपका मतलब ऐसे इस तरह से लिख लो, बिफोर ट्रायल इन कोर्ट, और या फिर अगर लिखना चाहो तो आप कह लो बेस्ड ऑन सस्पिशन, मतलब पुलिस को लग रहा है कि यार आप बंदे ठीक नहीं हो तो उठा लो, सस्पिशन है ना। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि यार वो बंदा सही नहीं लग रहा, उठा लो उसे, ऐसा करके, ठीक है, ये वाला करके। तो मुझे याद है अभी कोई नाटक सा मैं देख रहा था, तो उस केस में भी क्या है उसके नाटक का नाम क्या है यार, अरे लाइया भूल गया मैं नाम, चलो कोई नहीं, ये स्टार प्लस पे करके आता है। तो उसने ऐसा कुछ बोला कि मेरे को, मेरे पति को इसने इंटरेस्ट ने किडनैप कर लिया और ये बंदा मेरा पीछा कर रहा है, तो क्या करता है वो फोन करता है कमिश्नर कि जो बंदा बाहर खड़ा है उठा लो। ये क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्यूरेटिव का मतलब क्या होता है कि भैया आफ्टर ट्रायल इन कोर्ट, मतलब क्या है, कोर्ट के अंदर आपका जो भी था वो आपको प्रूफ कर दिया गया कि आपने ये वाला क्राइम कमिट किया था, प्रूफ आपके अगेंस्ट में है, कोर्ट में आपको सजा दे दी, उसके बाद जो आपको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है जेल में डाल रही है वो क्या हो गया, प्यूरेटिव हो गया, मतलब आपको सजा दी जा रही है ना, या पनिश कह लो, पनिश से निकल कर प्यूरेटिव, ऐसे स्पेलिंग सेम से कर लेता, क्या है आपका आफ्टर ट्रायल इन कोर्ट, मतलब इट इज बीन प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड, सॉरी, क्राइम हैज बीन प्रूव्ड। तो अगर प्रूफ कर दिया गया उसके बाद जो जेल में डालेंगे ये वाला। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, राइट अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव मतलब ये वाली डिटेंशन की बात हो रही है कि जब अगर इस केस में आपको सस्पिशन के बेस पर उठा ले, देखो अगर आपको सजा मिल रही है तो फिर क्या ही कर लोगे, कुछ फायदा नहीं है करने का। उसके थोड़े बहुत अलग से लॉज हैं कि आपको खाना अच्छा मिले, ये मिले, वो मच्छे, वो सब अलग अलग बात है। लेकिन अगर आपने कोई गलती, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की या आपको बेस ऑन सस्पिशन उठा लिया गया है, तो तब आपके पास क्या क्या राइट्स हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बोला गया, और इससे फंडामेंटल राइट, सबसे पहली बात तो क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। भाई साहब पकड़ा क्यों है मुझे, भाई नहीं नहीं बस तू उठा लो, उठा के लेके चले गए, भाई तुम बताओ तो सही क्यों उठा के लेके चल रहे हो, कोई पता तो होना चाहिए उसके बारे में। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है ना, तो भाई क्यों उठाया मुझे ये आपको पता होना चाहिए, ये आप पता कर सकते हो, दिस इज योर राइट, ऐसे छुपाया जा नहीं सकता। देन सेकंड इज आपका राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, ये भी आपने बहुत सारे सीरियल में देखा होगा, जो भी हीरो ऑफ द स्टोरी होता है या फिर जो भी हाँ यूजली हीरो ऑफ द स्टोरी, हीरोइन ऑफ द स्टोरी होती है, उनको जब भी पुलिस पकड़ करके जाती है तो तुरंत कोई ना कोई फैमिली से आएगा या फिर उनका जो भी प्यार व्यार जो भी सिस्टम होता है वो आएगा और वो लॉयर लेके आते हैं, तुरंत निकाल के ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, याद रखना, डिफेंडेड बाय अ लॉयर, दैट इज ऑल्सो अ राइट विद यू एज वेल, यू एज वेल। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मैं कुछ भी बताने नहीं वाला हूँ, क्या कहते हैं, आप लॉयर से बात करो, लॉयर करो, ये करो, व्हाटएवर स्टफ इज देयर। अब ना इनकी ग्राउंड रियलिटी थोड़ी बहुत ना फिशी रहती है, ठीक है, सही बताऊं तो आपको ग्राउंड रियलिटी काफी फिशी रहती है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म्ड पर्सन हो, अगर आप ना पुलिस के सामने वो ये वाली लैंग्वेज बोलना शुरू कर दोगे दैट आई एम हैविंग राइट्स अगेन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड आई कैन यू नो कॉल द लॉयर एंड ऑल, इफ यू कैन फील दीज थिंग्स कॉन्फिडेंटली, देयरफॉर पुलिस आपके साथ गलत नहीं करेगी, बिकॉज पुलिस हमेशा जो कहते हैं ना, वैसे होना नहीं चाहिए, बट जो मतलब जो लोग के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है जिन लोगों को, है ना, जो पहले से बेचारे हैरेस्ट लोग हो चुके होते हैं उन्हीं को और ज्यादा पुलिस हैरेस करती है, इट्स लाइक दैट। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी डिफेंड बाय अ लॉयर, एंड सेकंडली याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, मतलब अगर आपको अरेस्ट कर लिया, 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपको अरेस्ट कर लिया, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, आपको अरेस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, 24 घंटे के अंदर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आज आपको लेट्स टेक एग्जांपल कि आज आपको 9 बजे के आसपास आपको अरेस्ट किया गया, अब आज रात 9 बजे अरेस्ट किया गया, तो कल रात 9 बजे तक आपको एक बार कहां पर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट यानी कि नियरेस्ट जो भी जुडिशियल ऑफिसर होगा वहां पर जाकर आपकी हाजिरी लगवानी पड़ेगी कि भैया हाँ हम इस बंदे को पकड़ के लेके आए हैं, ये मेक श्योर करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है इसका मतलब क्या, आपको इलीगल तरीके से आपको जेल में उठाकर बंद किया जा चुका है, एंड अगर ऐसा होता है देयरफॉर आप उसके ऊपर, उसी केस के ऊपर आप बेल वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, चलो मैं अभी उसके अंदर नहीं जाऊंगा, अगर आप में से कोई लॉयर वगैरह तो बता देना, मेंशन कर देना, बड़ा मजा आएगा कमेंट के अंदर, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ने के बारे में ऐसी चीजों के बारे में, ठीक है। खैर ये सब तो होगी कहानी, अच्छा देखो इसके अंदर ना और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए, अगर मैं इसको बताऊं तो इसके अंदर जो कुछ ऐसी पावर्स हैं प्यूनिटिव डिटेंशन की, जो पावर्स है ना अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये सिर्फ हमारे देश के अंदर इतना बड़ा आर्टिकल बना रखा है, अदरवाइज हमारे अदरवाइज पूरी दुनिया में आपको ऐसे आर्टिकल देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी के अंदर क्या है, हमारी पावर्स जो है पुलिस ऑफिसर्स को वो काफी सारा मिल जाती है, जब आप भी जेके पीएसआई के अंदर लग जाओगे तो आपको ये वाली पावर्स मिलेंगी,
जिसे बोलते हैं काइंड ऑफ स्पेशल पावर्स कह लो या फिर एक्स्ट्रा पावर्स कह लो, पुलिस वगैरह को मिल जाती हैं ये। और इसी स्पेशल पावर्स के अंडर बहुत सारे एक्ट आया जिसने जस्टिफाई किया कि पावर्स कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको पढ़ना नहीं है बस आपको खाली बता रहा हूँ, टाडा हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज डिस्ट्रप्शन एक्ट, सॉरी टेररिस्ट एक्ट, हाँ टेररिस्ट एक मिनट यार मैं नाम भूल गया इसका क्या नाम था, थोड़ा एक बार शुरू से करते हैं, मैं फ्लो खराब हो जाएगा। सबसे पहले आपका आया था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसके तहत जब आपकी इंदिरा गांधी वगैरह थी बहुत सारी वो एविडेंसी वगैरह भी लग गई थी, ठीक है। देन इसके बाद कौन सा आपका, इसका आपका आता है पोटा, नहीं पोटा नहीं, इस पर आपका था एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी आज भी चल रहा है आजकल, आज भी आपको देखने को मिल जाता है। देन सर आपका आता टाडा, देन आपका आता टाडा, इसका फुल फॉर्म क्या थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज, सॉरी टेररिस्ट एंड टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ये आपका आया था, ये आपका आया था, ठीक है, कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाया छोड़ दिया इसको। देन आपका आया सर पोटाया, पोटाया ठीक है, पोटा इसका मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। देन आपका आता सर आपका एक आता यूपा, यूपा हाँ एक बट यूपा सही लिखा है ना, आई थिंक सही लिखा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे एक्ट आपके आते रहते हैं, इसके अंदर आपकी स्पेशल पावर्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, खाली थोड़े थोड़े नाम देख लेना और कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर होता है आपका खानी, ये वाला समाप्त होती है, यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम हो जाते हैं समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से और आर्टिकल्स, राइट एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, राइट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां पर आपको दो आर्टिकल देखने को मिलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां पर आपको दो आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ये आपके कहां से लेके कहां से आर्टिकल आते हैं, ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 23 एंड आपका आर्टिकल नंबर 24, ठीक है, ये आपके आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो आपका आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 23, वो किस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग बात करता है, देखो आर्टिकल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होगा, शोषण हो गया है, शोषण बोलते हैं हिंदी में, शोषण ऐसे लिखते हैं ना, शोषण, ठीक है, शोषण का मतलब हो गया, शोषण मतलब आपको पता ही है, शोषण एक्सप्लॉयटेशन समझ सकते हो। आर्टिकल 23 में किस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन के रिगार्डिंग चीजें बोली गई है, तो याद रखना ये है आपकी प्रोहिबिट्स, ये क्या बोलता है, प्रोहिबिट करता है किसी भी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन, कौन सी जरा देखते हैं, प्रोहिबिट्स ट्रैफिक, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये एक्चुअली ट्रैफिकिंग बोलना चाहिए, रुक जाओ, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स मतलब क्या है, अगर इंसानों का व्यापार किया जाए, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स अगर किया जाए, व्यापार किया जाए कि मतलब बेच रहे खरीद रहे, है ना, जैसे आपने अब मुझे याद आ रही शिवाय करके मूवी आई थी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी अजय देवगन की, ठीक है, तो उसके अंदर बताया था छोटी सी बच्ची जो अजय देवगन की बच्ची होती है उसको ट्रैफिक कर जाता है रशिया के अंदर एंड वो वहां पर बचाने जाता है, बहुत ही इमोशनल मूवी है, बड़ा मजा सा आता है उस मूवी को देखकर, तो अगर मौका मिले जरूर देखना। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो ये इस प्रकार की ट्रैफिकिंग होगी या कुछ और भी तरह की ट्रैफिकिंग होगी, ये बिल्कुल क्या किया, प्रोहिबिशन के रिगार्डिंग बात की है, ये तो होगी ह्यूमन बींग्स। उसके बाद जो भी ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा पोटेंशियल हार्म जिनको पहुंचना बहुत ज्यादा आसान होता है, दैट इज बेगर्स, तो बेगर्स के रिगार्डिंग भी बोला गया कि आप ये भी बिल्कुल भी मतलब इनकी ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं कर सकते, और एनी अदर काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर, आप किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, किसी भी प्कार की बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड क्या छोड़ो आप फोर्स लिख लो, है ना, फोर्स इज अ बेटर वर्ड, किसी भी काइंड का फोर्स लेबर आप नहीं करा सकते, दिस इज आउट देयर, ठीक है, याद रखना। तो बस यही है और कुछ खास इसके अंदर पॉइंट आपका आता नहीं है, ठीक है, मतलब ये बैन हुआ था और ये फोर्स लेबर के रिगार्डिंग एक आपका एक्ट भी निकल कर आया था बाद में जिसे बोलते हैं बॉन्डेड लेबर समथिंग करके एक्ट था, ये 1976 के अंदर आया था ऐसे करके, ठीक है। तो इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, कब आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता, व्हेन ड्यूटीज फॉर सोसाइटी, अगर सोसाइटी के रिगार्डिंग आप ड्यूटी वगैरह कर रहे हो तो आप चाहकर भी मतलब आप ना चाहो तब भी आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर करता हूं तो इलेक्शन ड्यूटी, आप लोगों ने देखा होगा जब आप वोट वगैरह करने जाओ, अगर नहीं जाते तो प्लीज जाना यार, है ना, भले जाकर नोटा वोट करके आ जाओ, नोटा इज नन ऑफ द अबव, ठीक है, उसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर होता है, खैर हम लोग इलेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे नहीं इतना तो वरना आपको बताता, तो खैर चलो वो दैट इज कीपिंग असाइड, आप सिंपल गूगल कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। मैं बोल रहा था कि अगर आप वोट वगैरह करने जाओ तो आपने देखा होगा कि जो लोग भी ना टीचर, स्कूल टीचर्स होते हैं वो लोग की ड्यूटी लगी होती है, जैसे मेरे फादर खुद क्या कहते हैं आपके इंडियन रेलवे में काम करते हैं, तो इनकी एक बार मतलब अब तो नहीं पर पहले इनकी ड्यूटी लगा करती थी आउट ऑफ इनको क्या कहते हैं स्टेट के अंदर या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजने की इलेक्शंस के टाइम पर इनकी ड्यूटी लगा दिया करते थे, उसका वेज मिलता है, उसको पैसा मिलता है उस दिन का, ऐसी बात नहीं है सिर्फ फोकट में काम नहीं करवाती गवर्नमेंट, उसका पैसा देती है, पर पॉइंट इज संडे यार, संडे की यूजली संडे के दिन होता है, ऑलमोस्ट ऑफ ही होता है उस दिन, तो संडे के दिन अगर वोटिंग हो रही है, अगर आप चाहते भी हो आप कहीं और कुछ काम करना चाहते हो लेकिन स्टिल यू हैव टू बी प्रेजेंट आउट देयर, स्टिल आपको वहां पर ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, अगर आप ड्यूटी नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आपको समन भी कर सकती है,
गवर्नमेंट आपको लेटर भेज सकती है कि आप काम क्यों नहीं किया आपने, आप क्यों नहीं आए। अगर आपके पास बड़ा एक्सक्यूज है देयरफॉर ऑफ कोर्स यू कैन गिव, लेकिन अगर आपके एक्सक्यूज नहीं है देयरफॉर आपको आना पड़ेगा। तो आप चाहो ना चाहो आपको काम करना पड़ेगा बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे करके। तो सोसाइटी के बारे में जब भी बात आएगी तो सोसाइटी ऊपर हो जाएगी और इंडिविजुअलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो एग्जांपल इज आपकी इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है। चलो लास्ट आर्टिकल और पढ़ लेते हैं आज के दिन का, दैट इज 24, आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। 24 बेसिकली इसके रिगार्डिंग बात करता है, ये भी प्रोहिबिट करता है, लेकिन प्रोहिबिट तो करता है, प्रोहिबिट्स करता है, लेकिन क्या करता है, प्रोहिबिट व्हाट, प्रोहिबिट करता है, दैट इज आपका प्रोहिबिट employment of children below 14 years of age। आप ना ये चीज देखोगे हमेशा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, 14 साल से कम है ना, 6 to 14 years of age मैंने बताया था आपको। तो ये 14 साल जो है ना, ये आप अगर आप नॉर्मली भी बहुत सारे कानून वगैरह पढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके JKPSI के सिलेबस के अंदर राइट टू बी सॉरी वो था आपका गवर्नेंस वाला टॉपिक था, तो गवर्नेंस वाले टॉपिक के अंदर आपके बहुत सारे और भी राइट्स आते हैं। आप अगर उनको बहुत सारे राइट्स को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा एक चीज पाओगे कि 14 इयर्स ऑफ एज जो है ना, वो गवर्नमेंट हमेशा एक तरह से यूज करती है टू आइडेंटिफाई कि बच्चे कौन है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 14 साल के जो होते हैं ना, 14 साल तक की जो उम्र के हैं वो बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऑफकोर्स 18 साल के बाद, देखो अब ये मत कंफ्यूज मत होना कि वोटिंग राइट तो सर हमें 18 साल पे मिलता है तो 14 साल पे क्यों नहीं मिल जाता, वो चीज अलग है बिकॉज 14 से लेकर 18 तक क्या है, ट्रांजिशनल फेज आता है। जब आप बायो वगैरह पढ़ोगे आपको अच्छे से पता लगेगा कि एक एडोलेसेंस पीरियड होता है, प्यूबर्टी वाली एज होती है, जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो 14 एंड 18 इज अ ट्रांजिशनल फेज, उसके बाद 18 के बाद माना जाता है कि आप एडल्ट बन चुके हो, ठीक है, ऐसे करके। employment of children below 14 years of age क्या कहते हैं आपका, कहां पर, in factories के अंदर, then आपका mining, मतलब जो भी hazardous है ना, या फिर मैं सीधा लिख देता हूं आपका hazardous works, जहां पर भी बड़ा खतरे वाले काम हो रहे हैं वहां पर आप इन लोगों को अपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करोगे, बिल्कुल भी employment नहीं होगी। इससे नीचे वाले अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल मना की हुई है कि आप देखो समझो जरा, अगर आपसे पूछूं कि कोई बच्चे को, अगर कोई रेस्टोरेंट पे आप जाते हो, और कि बच्चा वहां पर बर्तन धो रहा है ना, जिसकी 14 साल से उम्र कम है, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा राइट है जिसे वो जो से प्रोटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो आर्टिकल नंबर 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो 23 के अंदर आ रहा है, फोर्स लेबर करा रहे हैं ना, बदवा मजदूरी करवा रहे हैं ना आपको, बिकॉज सैलरी वाले तुमको नाम के बराबर की मिलती है, ऐसा कर करके। लेकिन अगर वही इंसान किचन के अंदर मान लो, या कोई भट्टी वट्टी में काम कर रहा है, बेकरी में काम कर रहा है, जहां पर बहुत बड़ा कुछ काम करना होता है, या फिर कोई ब्रिक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, मेसन की तरह काम कर रहा है, वो सबके सब क्या है, हैजार्डस कंडीशन है। कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, या फिर जिसे आपको बांग्लादेश में देखने को मिल जाता है, बांग्लादेश के अंदर छोटी उम्र के बच्चे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में डाले होते हैं, बिकॉज वहां पर टेक्सटाइल बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है। और आज से करीबन एक दो साल पहले आपको देखने को मिला था कि वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, टेक्सटाइल की बिल्डिंग है, वो आज भी आप देख सकते हो गूगल करके, वो पूरी की पूरी जल गई थी, मतलब पूरी की पूरी नहीं, मतलब 3 या 4 फ्लोर जल गए थे, और वहां पे बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई। और वो वही फैक्ट्री है जहां से आपके नाइकी या फिर पूमा और बहुत बड़े 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 ब्रांड्स के कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द वेरी, और बहुत बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बोला भी था कि गलत है, नहीं करना चाहिए, बट वहां पे पॉलिसी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पर ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता अंडर सच आर्टिकल्स एंड ऑल, ठीक है, या किया भी जाता होगा बट इंप्लीकेशन खराब है, व्हाटएवर द केसेस। तो इसे याद रखना कि किसी प्रकार के ऐसे माइनिंग वगैरह के अंदर हो गया, कोयल वगैरह हो गया, वहां पर आप इसके नहीं कर सकते, बिकॉज इससे जो चीजें, जो बीमारियां लग जाती हैं वो पुष्तक जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एसोसिएशन इफेक्ट बोलते हैं, जो कोयला जो होता है वो नाक पर चढ़ जाता है और फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें देता है, ठीक है, सिड्रोसिस हो सकता है आपको, सिलिका से जो होता है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये करते हैं, ठीक है, बस इतना याद रख लो, 24 आर्टिकल यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे काम भी किए गए, फॉर एग्जाम्पल एक अगर एक इंसान है जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, उनको 2014 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था बिकॉज उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन किया था, और उसमें ऐसे ही बच्चों को जो कि ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं उनको हमें बचा के लेके जाया जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन है, लेटेस्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू गेट अ नोबेल प्राइज कौन है, तो वही आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब प्रॉपर इंडियन आउट देयर, ठीक है। चलो भाई, तो आर्टिकल 25 से हम लोग कल नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। मुझे पता नहीं कितना लंबा लेक्चर हो गया, बट मुझे लगता है कि ठीक ठाक लंबा हो चुका है, तो ये वाली कहानी आपकी हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जो भी आप लोग कमेंट करते हो प्लीज किया करो, एक दो वीडियो से कमेंट डिक्रीज हो गए थे, बट चलो फाइनली लास्ट वाली वीडियो के अंदर काफी सारे अच्छे आप लोगों के कमेंट आए हैं। तो अगर आपको लगता है कि काम अच्छा हो रहा है तो अप्रिशिएट कर दो, कुछ अगर दिक्कतें आती है तो पूछ लो, जो भी करो बस प्लीज बी वोकल अबाउट इट। पढ़ा था ना हमने आर्टिकल ऑफ, हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम के अंदर, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो प्लीज फील फ्री टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। हाँ, एक
अच्छे मैनर के अंदर, बिकॉज आपको ऑफिसर बनना है कहीं ना कहीं दुनिया में जाके, ऑफिसर कभी ना कभी तो बनोगे, तो एक डिलीजियस मैनर के अंदर, एक अच्छे मैनर के अंदर, एक मतलब एक क्रेडिबल मैनर के अंदर, रिस्पॉन्सिबल मैनर के अंदर ही आप अपने कमेंट वगैरह कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है फिर, ठीक है। और चैट सेक्शन के अंदर आ जाएगा, बाकी आपको चैट वगैरह तो हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल द नेक्स्ट, टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।